हेलो साथियों, आपका स्वागत है सरकारी जॉब एस्पिरेंट परिवार में। आइए हम बात करते हैं विनेश फोगाट के बारे में और पेरिस ओलंपिक्स के बारे में। चर्चा का विषय बना हुआ है, क्यों चर्चा हो रही है पूरे भारत देश में विनेश फोगाट के बारे में। पहले भी चर्चा हो रही थी 2023 में, जब इन्होंने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही थी बिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो कहीं ना कहीं आरोपी थे और ये न्याय मांग रही थी, सरकार से गुहार लगा रही थी। उस समय सरकार भी साथ नहीं दे रही थी, लेकिन ये काफी दिन तक संघर्ष की और बिल्कुल जुटी रही। एक बेटी होकर, भारत की बेटी थी और अपने लिए न्याय मांग रही थी, और ये न्यूज इतना चली थी, ये नेशनल लेवल नहीं थी, इंटरनेशनल भी बन गई थी। लेकिन मेरे साथियों, कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार थी, हमारी बेटी का भी साथ नहीं दिया था। यही बेटी है जो एक मजबूती से फिर खड़ी हुई और अपने भारत देश के लिए गोल्ड मेडल के लिए तैयार की अपने आप को ओलंपिक के लिए। ओलंपिक में तैयार होने के लिए इतना आसान नहीं होता है मेरे साथियों, दिन रात एक करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके अपने आप को तैयार करना पड़ता है। अब ये इन्होंने क्या किया कि तैयार करके, दिन रात एक करके वहां तक पहुंची, पेरिस ओलंपिक तक पहुंची। उसके बाद में इनके साथ क्या हुआ, बहुत बहुत दर्दनाक घटना घटी, जो आप सोच नहीं पाएंगे, दुखद घटना जिसको बोलते हैं। इन्होंने क्या किया कि लगातार 3 मैच जीता इन्होंने, और वो रेसलर को हराया जो कभी भी हारी नहीं थी, पूरे विश्व में कभी भी वो हारी नहीं थी, और अब की टक्कर दी हमारी भारत की बेटी विनेश फोगाट ने, उस रेसलर को हराया लगातार। उसके बाद जब फाइनल में गई तो इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। डिस्क्वालीफाई करने से कि बिल्कुल ओलंपिक से बाहर कर दिया गया, कोई मेडल नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्या घटना घट गई यहाँ पे देखिए, वही बेटी है जो इनको भारत में न्याय नहीं मिला था और अपने भारत देश के लिए गोल्ड मेडल लाने के लिए गई थी, अपने आप को तैयार की थी। यहाँ पर देखिए, खेल क्या खिलवाड़, विनेश फोगाट हुई साजिश की शिकार। अब ऐसा क्या हो गया जो चर्चाएं में चल रही है, साजिश की शिकार हो गई कि विनेश फोगाट के पास अच्छा नहीं हुआ। ऐसे जैसे साजिश यहाँ पे भारत देश में रची गई थी, वैसे वहां लोग ओलंपिक तक पहुंच गए। क्या ऐसी ऐसी अफवाहें चल रही हैं और ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं, और इनकी चर्चा पूरे भारत देश में नहीं, संसद तक ही चर्चा हो रही है विनेश फोगाट के बारे में। ऐसे बेटी का जन्म जो भारत देश में हुआ, बहुत गर्व की बात है कि जो एक बेटी होके और ओलंपिक तक पहुंची। आइए देखते हैं, आसानी भाषा समझते हैं कि पूरा मैटर क्या है और पूरा बात क्या है विनेश फोगाट के बारे में। यहाँ पर देखिए मेरे साथियों, ये हैं विनेश फोगाट, जब वो स्थिति थी इनकी 2023 में। यहाँ पर देखिए 2023 की, जब अपने लिए न्याय के लिए गुहार मांग रही थी, गुहार लगा रही थी सरकार के, और सरकार को सुनाई नहीं दे रही थी, वही विनेश फोगाट है, वही विनेश फोगाट है, और बिल्कुल अब संघर्ष की लड़ाई लड़ रही थी। उसके बाद में इनके पास टाइम नहीं था, ओलंपिक आने वाला था, और उसके बावजूद में अपने आप को तैयार की, दिन रात एक कर दी। ये वो बेटी हैं जो न सही कभी भी सही से सोई नहीं, और दिन रात एक करके इन्होंने ओलंपिक तक पहुंची, और ओलंपिक तक पहुंची लगातार 3 रेसलर को हराई, जो फाइनल में पहुंच गई। यहाँ पर देखिए, खुशी की बात है, पूरा देश जश्न मना रहा था कि फाइनल में पहुंच गई, अब हमारे भारत देश की बेटी वो गोल्ड मेडल लेके आने वाली है। और ये भी खुशी थी, इनके परिवार भी खुशी था कि बहुत बड़ी बात है जो हमारी बेटी भारत देश के लिए गोल्ड मेडल के करीब पहुंच गई है। अब गोल्ड मेडल बुधवार को रात 10 बजे ये जीत जाएंगी और हासिल कर लेंगी यहाँ पे। लेकिन ऐसा क्या अनहोनी हो गया जब फोगाट जी को यहाँ पे देखिए हाथ जोड़ रही है, रो रही है, ऐसा क्या हो गया यहाँ पे, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। डिस्क्वालीफाई किस लिए कर दिया गया था कि 50 kg पे ये लड़ रही थी, लेकिन 50 kg पे लड़ रही थी, इनका जब वेट हुआ, फाइनल में जाके वेट होता है, हर बार वेट होता है, फाइनल में जब पहुंची वेट हुआ तो 50 kg से 100 g वेट ज्यादा था। अब 100 g वेट से बाहर हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि 100 g वेट बहुत ज्यादा थोड़ी ना होता है, ना पानी पीती, ना खाना खाती, कुछ भी नहीं करती। मेरे साथियों, 100 g वेट से बाहर हो गई, एक जो रूल रहता है ओलंपिक का, या मान्य रहता है, क्या साजिश रहा होगा, क्या ऐसा रहा होगा, ऐसा तो पहली बार सुनने को मिला है और ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथियों। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, फूट फूट के रो रही थी, क्योंकि वो मेहनत लगी है वहां तक पहुंचने में, और दिन रात एक की हैं हमारे यहाँ फोगाट जी, दिन रात एक करी हैं, इनका सपना था, खुली आंखों से सपना देख रही थी और मेहनत भी कर रही थी कि अब की कुछ नहीं करना है, भले ही भारत सरकार हमें न्याय नहीं दिलाया, लेकिन अपने भारत देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आना है, ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेके आना है, अपने भारत देश का मान बढ़ाना है। लेकिन वही देखिए, जब इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो फूट फूट के रोने लगी, इनका आंसू देखिए यही है विनेश फोगाट जो फूट फूट के रो रही हैं, और वहां पे बिल्कुल इनका लोग परेशान हो गए, भारत देश पूरा परेशान हो गया, अब इनका हौसला बढ़ा रहे हैं। ऐसा क्या घटना घट गई, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और तब किया गया जब बहुत आगे निकल गई। यहाँ पर देखिए मेरे साथियों, पहले क्या हुआ, ऐसे संघर्ष रेसलर का नहीं रहता है। जब इन्होंने 3 लगातार हरा जीता और वहां पे जो विश्व में कभी हारी नहीं थी उनको हराया, उसके बाद में जब फाइनल में जाना था, तो जब
थकी थी इनको, मतलब एनर्जी चाहिए होता है, सारा चीज खिलाया पिलाया जाता है, लेकिन इसे खिलाने पिलाने के बाद 2 किलो वजन इनको बढ़ गया था। अब इनको कंप्लीट करना था, इनके पास 12 घंटे का समय था। अब इन्होंने रात भर मेहनत की, साइकिलिंग की और उसके बाद में एक्सरसाइज की कि हम 2 किलो वेट बिल्कुल घटा लें, और पूरी रात मेहनत की। उसके बाद में जब इनका वेट हुआ तब वहां पे 100 ग्राम वेट ज्यादा ठहरा, इसीलिए डिस्क्वालीफाई कर दी गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई, उन्हें वजन मेंटेन ना होने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उनका वजन 50 केजी से सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा निकला। विनेश फोगाट गोल्ड मेडल के लिए आज बुधवार रात को करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के लिए अमेरिका की रेसलर से इनका होना था मुकाबला। अब यहाँ पर देखिए ऐसी अनहोनी हो गई, और यहाँ पर देखिए यही है जो विश्व में कभी हारी नहीं थी, और हमारी जो विनेश फोगाट है, हमारे देश की बेटी है, ये इन्होंने हराया। यहाँ पर देखिए ट्वीट क्या कर रहे हैं लोग, यहाँ पर देखिए, पता है विनेश फोगाट क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया? विनेश फोगाट को, विनेश फोगाट ने दुनिया के नंबर वन पहलवान को हराया, दूसरा पॉइंट है विनेश ने उस पहलवान को हराया जो अब तक कोई मैच नहीं हारी थी। तीसरा पॉइंट है विनेश ने यूरोप की चैंपियन को हराया, विनेश ने नॉर्थ अमेरिका चैंपियन को हराया। यहाँ पे अब इनका कहने का मतलब यह है कि इतना लोग हराएं इसलिए इनको साजिश करके इनको बाहर कर दिया गया, जैसे ट्वीट हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए उसके बाद में लगातार फिर जिस दिन ये जीती थी यहाँ पे इनको हरा के, और यहाँ पे फाइनल में गई थी यहाँ पे विनेश फोगाट, और यहाँ पे ट्वीट क्या हुआ था, रवीश कुमार जी ने ट्वीट किया, जिस विनेश को मिलकर सब हराने में लगे थे उस विनेश ने आज सभी को हरा दिया। तुम शानदार हो विनेश, तुम्हारा जलवा कायम रहेगा, बधाई हो। पूरा देश बधाई दे रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, जब डिस्क्वालीफाई हुआ तब रवीश कुमार जी का फिर ट्वीट आया कि विनेश फोगाट के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। यहाँ पर देखिए, और वीरेंद्र सिंह बॉक्सर ये भी बोले, मैंने 3 ओलंपिक देखे हैं लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये तो सीधा सीधा भारत को गोल्ड रोकने का षड्यंत्र है, पूरे हिंदुस्तान को विनेश के साथ खड़ा होना चाहिए, इसमें पूरे हिंदुस्तान को विनेश के साथ खड़ा होना चाहिए, ये ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये कह रहे हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कोई ओलंपिक में कि ऐसा कुछ हुआ हो अभी तक। अब ऐसा इसलिए हो रहा है कि डायरेक्ट लगातार 3 लोगों को हराई और ये फाइनल गोल्ड मेडल पाने के लिए पहुंच गई थी। यहाँ पर देखिए, जैसे कि नीता अंबानी इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी की सदस्य हैं, आपको पता होगा कम्युनिटी की सदस्य हैं वो, ओलंपिक कम्युनिटी में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं नीता अंबानी। और यहाँ पर देखिए, नीता अंबानी बहुत दिनों से लगातार पेरिस में ही हैं, वह सभी मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ट्वीट हुआ है, जब विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हुई तो क्या वह अपने स्तर पर कुछ कर नहीं सकती थी, कैसे भी करके विनेश फोगाट को ओंट के लिए अतिरिक्त टाइम दिलवाती और उनका डिस्क्वालीफाई रुकवाती। यहाँ पे अब बजरंग पुनिया ने इनका मान बढ़ाया कि भले ही आप डिस्क्वालीफाई हो गई, यहाँ पे देखिए, विनेश तुम हिम्मत और नैतिकता की गोल्ड मेडलिस्ट हो, माटी की बेटी हो, इसलिए ये मेडल भी माटी का है, बहुत हौसले से लड़ी हो, कल जब खेलने से पहले ओलंपिक ऑफिशियल ने आपका वजन लिया था तो आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट थी, तो यही पे आज सुबह जो हुआ उस पर कोई यकीन नहीं करना चाहता, कोई यकीन नहीं कर रहा है। यहाँ पे यहाँ चीज है, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे अंकित अवस्थी जी ने ट्वीट किया, क्या ट्वीट किया, यह भारतीय खेल जगत की सबसे बड़ी दुखद घटना है। यहाँ पर देखिए, ये कैसा नियम था, रातों रात क्या हो गया, टीम प्रबंधन क्या कर रही थी, जो इनकी टीम थी, इनकी देख रेख कर रही थी वो क्या कर रही थी, जो खान पान मैनेजमेंट कर रही थी वो क्या कर रही थी, लेकिन आज देखिए ये हमारी भारत की बेटी है और विनेश फोगाट की क्या हाल है, जो बिल्कुल करीब थी और इतना दिन से मेहनत कर रही थी, दिन रात एक कर रखी थी। तो मेरे साथियों, आपसे गुजारिश है कि विनेश फोगाट को हौसला बढ़ाइए, कोई बात नहीं, आपकी गोल्ड मेडल नहीं आएगा, अभी उम्र नहीं खत्म हो गई है आपकी, नहीं दूसरी बार परचम लहराएंगी, कोई हमारे भारत देश की बेटी हैं और वहां तक पहुंची और इतना बड़े बड़े रेसलर को हराई, वहां तक पहुंची, समझ लो गोल्ड मेडल जीत गई, एक एक भारतीय के दिल में इनके लिए जगह है और उसके बाद में किसी पुरस्कार से कम नहीं है, और सम्मान बढ़ाइए, हौसला बढ़ाइए, और ऐसे बेटी का भारत देश में जन्म हुआ जो बड़े बड़े रेसलर को टक्कर दे दी, इतना ये गर्व की बात है, भारत देश के गर्व की बात है, और ऐसे बेटी का जन्म होना चाहिए और ऐसे बहुत आगे जाएंगे, ऐसे मान बढ़ाइए और सब साथ मिलके खड़े होइए। अब देखिए क्या होता है मेरे साथियों, उसके बाद में अगली खबर में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।